Order number 37. Jumaat Islami wale hain, bade takde hain, mashallah. Order number 37. Ji, thank you, Mr. Chairman. I beg to move under proviso to paragraph C of the sub-rule 1 of rule 100 of the rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012 that the bill to amend the Islamabad Capital Territory Trust Act 2020, the Islamabad Capital Territory Trust Amendment Bill 2020, as introduced in the Senate but not recommended by the Standing Committee, be referred to the Select Committee. थोड़ी सी वजाहत कर लूं मिस्टर चेयरमैन सर ये बिल आपने पेश किया अभी अगर आप कहें तो बस इसको भेज देते हैं सिलेक्ट कमेटी मैं अगर इनको वो है तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूं कमेटी में काफी मैं वजाहत थोड़ी सर वजाहत सुन लें सर इनकी जी सर आप मिस्टर चेयरमैन ये असल में जो एफएटीएफ के बिल आए थे वो तो बदतरीन गुलामी के बिल थे और एफएटीएफ के उन बिलों के जरिए से पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि एफएटीएफ के बिल पास करते हुए इस पार्लियामेंट में बैठना मेरे लिए शर्म का बायस है लेकिन वो था और हमने स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट एंड रीजन के अंदर भी ये लिखा था कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें एफएटीएफ ने कहा है मिस्टर चेयरमैन ये कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बिल था और इसमें मिस्टर चेयरमैन दो चीज़ें थी एक तो ये था कि सस्पेक्ट की बुनियाद पर किसी को वो करना ये आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है 10A की कि फेयर ट्रायल का हक देता है हर पाकिस्तानी को किसी को शक की बुनियाद पे नहीं एविडेंस की बुनियाद पे आप मुजरिम करार दे सकते हैं लेकिन यहां शक की बुनियाद पे दूसरा ये किया गया था कि इसमें डबल पनिशमेंट था जो कि आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी थी और जो इस वक्त मिनिस्टर हैं शहादत साहब ये मेरे साथ कमेटी में बैठे थे और इन्होंने एक लीगल एक्सपर्ट्स की हैसियत से कहा कि सेनेटर मुश्ताक की ये अमेंडमेंट ठीक है ये डबल पनिशमेंट है लेकिन मुझे बहुत अफसोस है मेरे कुलीग सेनेटर मोहसिन अजीज साहब चेयरमैन थे उन्होंने अक्सरियत की बुनियाद पे लॉजिक की बुनियाद पर नहीं इस बिल को पास किया और अक्सरियत की आमिरियत की मिसाल कायम कर दी इसलिए मिस्टर चेयरमैन ये जो डबल जेपर्डी है ये आर्टिकल 13 की एक जुर्म में दो सजाएं दस्तूर की आर्टिकल 13 के तहत किसी को नहीं दी जा सकती इसलिए मैं ये लाया था और उस पर जो हमारी लीगल डिपार्टमेंट था उन्होंने भी हमारे हक में फैसला दिया था अब ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है मिस्टर चेयरमैन मैं सिर्फ दो लाइनें इसकी सुना के अपनी बात खत्म करता हूं द ऑफिशियल डीलिंग विद एफएटीएफ इन्फॉर्म द कमेटी दैट इट टुक अबाउट 3 years टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट अमेंडमेंट बिल 2020 and the same had already been presented in the FATF kahan hai azadi kahan hai qaumi waqar kahan hai khud mukhtari jab aapne bill yahan banaya phir FATF mein pesh kiya unhone manzoor kiya aur phir aapne parliament se pass kiya to parliament to angoota chhap ban gaya parliament to rubber stamp ban gaya parliament ke legislative authority to compromise ho gayi phir aage kaha gaya hai they were of the view that it would create serious implication if it is amended at this he was of the point of the view that although there is a slight chance of double jeopardy yet it is unlikely to happen as if convicted with a penalty by the court mr chairman iste main samajhta hu ki wahan achhi baat nahi hui hai main chahta hu ki fatf ke liye jo kanun saazi hui hai wo ghulamana kanun saazi hai wo uske natije mein pakistan ki azadi aur khud mukhtari ko girvi rakh diya gaya hai इसलिए मैं चाहता हूं कि तमाम कानून साजी को हम रोल बैक करें उसको वापस कर लें अपने गुलामी की हथकड़ियों को तोड़ दें गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें एफएटीएफ की गुलामी आईएमएफ की गुलामी अमेरिका की गुलामी इस्तेमार की गुलामी ये कायद और पाकिस्तान का इकबाल का पाकिस्तान ये अमेरिका और एफएटीएफ और आईएमएफ की खिदमत के लिए नहीं था ये तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का वतन है ये तो हमारा मुल्क है यह तो हमारे लिए माँ की गोद है ये तो हमारे लिए बाप का साया है इसलिए मिस्टर चेयरमैन वहां ये मंजूर नहीं हुआ मैं आपसे दरखास्त करूंगा मैं इस हुकूमत से दरखास्त करता हूं जब ये मेरे साथ इस पोजीशन में थे तो ये मेरे साथ देते थे अब मैं इनसे दरखास्त करता हूं किसी तरह मेरा साथ दे एफएटीएफ के मुकाबले में आईएमएफ के मुकाबले में अमरीका के मुकाबले में मिलकर और पाकिस्तान को आजाद करें सर